नमस्कार, न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा क्रिकेटर। आज हमारी टीम कांग्रेस ऑफिस पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रेसिडेंट रंगलाल हलदार से हमने पूछा कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं, जीत हो या हार हो वे कैसे दीपवासियों के लिए कार्य करेंगे। हमने उनसे यह भी जानने की कोशिश की कि जैसे आने वाले मार्च अप्रैल और मई महीने में एयरपोर्ट जब बंद रहेगी तब कोई मेडिकल इमरजेंसीज हो तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाएंगे, साथ ही पर्यटन क्षेत्र पर भी इसका ज़्यादा प्रभाव ना पड़े इसके लिए वे क्या करेंगे, आइए देखते हैं। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम कांग्रेस के ऑफिस में मौजूद है और हमारे साथ आप देख सकते हैं कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रंगलाल हलदार जी मौजूद हैं। तो हम इलेक्शन से जुड़े कुछ सर से बात करने के लिए आए हैं कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे इस इलेक्शन में, किस तरह अगर उनको भारी मात्रा से अगर वो जीतते हैं तो नहीं भी जीतते हैं तो भी वो क्या 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 कार्य करेंगे लोगों के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे सर से। सर बताइए कि इस इलेक्शन में आप लोगों ने कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं जिससे पब्लिक की सहायता हो जाए। अब तक को हमारी नमस्कार है दी। अच्छा, आप जो मुद्दा का बात पूछा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है भलाई के लिए सोचते हैं इस दीपवासी के लिए, लेकिन आज जो है ये समय में जो है मौजूदा जो सरकार है हमारी बीजेपी सरकार इस देश में देश को चलाती है, और इसमें देखा जाए कि इस आज तो इसका 7 साल होने जा रहा है, लेकिन जो भी बीजेपी सरकार जो मुद्दा इलेक्शन आने से पहले जो उसका मैनिफेस्टो में दिया था, उन्होंने जो कहा था वो एक भी काम नहीं किया। मैनिफेस्टो में जो भी बात है उसका वो दरकिनार करके वो सारा उल्टा काम ही कर रहा है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ जो है युवाओं को नौकरी देंगे हर सालाना, 15 लाख हर घर में आपको आपको हर खाता में मिलेगा, जितने भी भ्रष्टाचार लोग हैं उनको पकड़ के जो है जेल में भरेंगे, फिर जितना भी हमारा फॉरेन में जो पैसा डिपॉजिट किया हुआ है उसको सब वापस लाएंगे, काला धन को वापस लाएंगे। कहाँ में एक भी काम तो हुआ नहीं, जो वो कहा है उनको एक भी काम पूरा नहीं किया है, कहाँ पे किया। तो इसके लिए संदर्भ के हमको ये सारे बातों को जो है जन जन तक हमको पहुँचाना है, और इस अंडमान निकोबार आइलैंड में जो पीबीएमसी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन पीबीएमसी इलेक्शन और हमारा पंचायती राज इलेक्शन में हम ये कहने चाहता है हमारे दीपवासी को कि देखिए आगे आपने पहले कांग्रेस का शासन देखा है, कांग्रेस का जमाना देखा है, आज 7 साल से आप देख नहीं रहा है। आज 7 साल में क्या हुआ और इसके पहले क्या था अंडमान, आज 7 साल में अंडमान को क्या दिया, आज बेरोजगारी पैदा हो गया, सारा घर घर में बेरोजगार युवा है, शिक्षित युवा पढ़ रहा है। अब फिलहाल आप कुछ दिन पहले आप देखा होगा कि 12 पोस्ट जो है पंचायत सेक्रेटरी में निकला था, जिसमें हमारे 15,000 बच्चे जो है अप्लाई किया था। तो इतना बड़ा बोले से अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है इस द्वीप में, अब एक ही थोड़ा से आप इसमें यकीन होने से कि हमको एक जस्ट रैंडम सैम्पलिंग है 12 पोस्ट के लिए 15,000, तो हमारा बेकार युवा जो है बेरोजगार युवा जो है कितने हमें बढ़ गए हैं इस अंडमान निकोबार आइलैंड में, इससे हमको पता चलता है। अगर कांग्रेस यहाँ पे रहेगा, कांग्रेस इस सत्ता पे अंडमान निकोबार आइलैंड में पंचायत में और म्यूनिसिपल में अगर बहुमत में आएगा तो कांग्रेस का पहला काम होगा कि हमारा जो वैकेंट पोस्ट है, हमारा 9 से 10 हज़ार वैकेंट पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो खाली पड़ा है, ये वैकेंट पोस्ट पहला फिलअप करेगा, एक कांग्रेस का वादा है सर। और दूसरा सवाल मैं ये सवाल नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल जो है हम कई पब्लिक से मिले तो उनका ये कहना है कि उनको ये पता ही नहीं, जो आम जनता है उनको ये पता ही नहीं है कि इलेक्शन का माहौल इतना गर्माया हुआ है। जैसे पार्टीज़ में हमको पता है कि अभी इलेक्शन आ रहा है तो उसकी वजह से काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है, बट जो पब्लिक है, आम जनता है, जो मीडिया से या टीवी चैनल से इतने जुड़े हुए नहीं है, तो उनको इस चीज़ का नॉलेज में नहीं है कि अभी चुनाव जो है इतना चरम सीमा पे है और अभी बहुत जल्दी उनको इलेक्शन के लिए वोट करने जाना होगा। तो सर अभी क्यों, मे बी ये रीज़न हो सकता है कि इतना प्रचार नहीं हो रहा, तो ये रीज़न हो सकता है कि लोगों को नहीं पता हो कि अभी चुनाव आ रहे हैं। देखिए ये सारा काम का जो है सरकार का है, इलेक्शन कमिश्नर का है। अभी सरकार में बैठा हुआ है बीजेपी सरकार,
अभी उसका हमारा ये मानना है कि प्रचार जो तंत्र है हमें करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि अभी आप हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया है तो उन्होंने कहता है कि हमारा पब्लिक मीटिंग नहीं है, हमारा स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग नहीं होगा। अगर स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग नहीं होगा, अगर पब्लिक मीटिंग नहीं होगा, जनता जागरूक कैसा होगा? अभी घर घर जाना तो इतने सारे वर्कर का जो है कितने प्रॉब्लम आपको हो सकता है। ये सारा चीज़ को ये एडमिनिस्ट्रेशन को, ये इलेक्शन कमिश्नर को सोचना है कि जन जन को जो है जागरूक करना है, ये हमारा काम है उनका। अगर हमको थोड़ा से अगर स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग का भी अगर परमिशन दिया जाए तो ये हम हो सकता है कि जनता शॉर्टली जो है जितने शॉर्टली इलेक्शन करने चाहता है उतना शॉर्टली जो है जागरूक हो जाएगा कि इसका माध्यम से। लेकिन ये हो नहीं रहा है क्योंकि आप पहले से ही आपका बैनर पोस्टर के ऊपर में बैंड है, उसके बाद अगर पब्लिक मीटिंग के ऊपर में बैंड होगा, अगर उसका बाद अगर स्ट्रीट कॉर्नर ऊपर का भी बैंड होगा तो कहाँ से प्रचार होगा? प्रचार तंत्र तो सभी बंद है। ने जैसे अभी कहा कि बैनर और ये सारी चीज़ें जो है बैन है, तो सर मैं आपको बताना चाहूँगी, कल ही कुछ दिन पहले हमने कई सारे होर्डिंग्स देखे हैं भाजपा सरकार की, तो उसमें लिखा हुआ है कि 2014 के बाद, यानी कि मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार की गवर्नमेंट आने के बाद जो है डेवलपमेंट हुआ है अंडमान में। यानी कि सीधा सा सीधा ये सवाल है कि 2014 से पहले यानी कि कांग्रेस की सरकार थी सर, तो क्या उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसा ये लोग कहना चाह रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि होर्डिंग्स ये सारे अलाउड नहीं है, तो बावजूद उसके कई सारे होर्डिंग्स लगाए हुए हैं, तो सर क्या आपने इस पर कोई मतलब कुछ लगाया, कुछ सोचा है इसके बारे में कि आप लोग कैसे करना चाह रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, हम ये कहने चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट किया, देखिए अभी इलेक्शन है, आगे वहाँ पे अगर बैनर पोस्टर एक ऑपोजिशन पार्टी का जो सरकार के जो पक्ष है उनका रहेगा, ये तो उचित नहीं है। इसलिए मैंने ये कहा कि देखिए इस तरह हो रहा है, होर्डिंग्स उनका तरफ से जो लगाए गए, मोदी जी का फोटो है, फिर हमारा यहाँ का नेता का भी फोटो है, सारा बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगा के रखा है, फर्क सब दिखता है करके, ऐसा ये अगर फर्क अगर सब दिखता है तो वो होने से 2014 का बाद अगर होगा तो 2019 में हम कैसे जीते हैं? ये तो जनता उसका जवाब दिया ना, जनता का पास में जवाब है, जनता इसके आपको दे दिया। अब जितना फर्क सब दिखता है उसका भी जवाब अभी देंगे, अभी जो आने वाला जो 6 तारीख है उनका जवाब उसका बराबर मिलेगा। ये आप हमसे अब जो उम्मीद किया है हम ये कहने नहीं चाहता है, लेकिन जनता इसको दिखाएगा, ये एकदम 100% सहमत है हम इसमें। सर और एक मेरा आखिरी सवाल है कि सर अभी जो है रिसेंटली ये वो टूरिज्म का मैं एक मुद्दा उठाना चाहूँगी सर, टूरिज्म जो है कोविड के चलते काफ़ी उनको प्रॉब्लम हुआ था, तो अभी जैसे रिसेंटली टूरिज्म को दोबारा खोला गया, बट क्या किया गया कि एयरपोर्ट्स को अभी चार दिन को खुले रखेंगे और 3 दिन को बंद करने का सोचा गया सर, तो ऐसे में तो टूरिज्म कहीं ना कहीं मार पड़ रहा है, टूरिज्म को मार पड़ रहा है। और दूसरी बात, ये टूरिज्म को अगर हम साइड में रखें तो कभी क्या पता उस 3 दिन में किसी अर्जेंट पेशेंट को जाना हो सर, तो ऐसे में वो पेशेंट कैसे जाएगा अगर उनको बाहर ले जाना हो एमरजेंसी केस में सर, तो ये एयरपोर्ट का और जो फ्लाइट्स का बंद करवाना कहाँ तक सही है? देखिए, एक तरफ हमारा अंडमानवासी का जीवन का लाइफ का सवाल है, एक तरफ हमारा जो है जो भाई लोग इसमें ट्रैवल्स में जुड़ा हुआ है उसका भी लाइफ का सवाल है, तो ये दोनों पक्ष तो एक ही साथ में नहीं चल रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी सोचना है, उतना दिन तक बोलने से सस्पेंड करने से क्या होता, हमारा भाई लोगों का प्रॉब्लम होगा, बिजनेस का ऊपर में बहुत प्रॉब्लम होता, तो ये सोच विचार एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, जो IAS ऑफिसर बैठे हैं वहाँ पर उनको ये सोचना चाहिए, लाइफ भी हमारा बचाना ज़रूरी है और हमारा जो अभी हमारा बिजनेस भी है उसको भी जीवित रखना होगा। इसके लिए संदर्भ में हम ये कहना चाहता हूँ कि सोच विचार करके और भी कोई एक कदम उठाए ताकि हमारा भाई लोगों को उतना नुकसान ना हो और हमारा जीवन जो है अंडमानवासी का भी जीवन का भी नुकसान ना हो, यही हम कहने चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रंगलाल हल्दर जी, कैमरामैन शाहिद के साथ अर्शा रहमान, न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।